हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाहय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में डॉक्टर के लिए नेशनल लेवल, स्टेट लेवल की कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और इन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इंडिया में MBBS, BDS व BDS UG कोर्सेज हैं, BBSC एंड AH वेटनरी UG कोर्सेज हैं और BMS, BHMS, BMS, BNYS आयुर्वेदा UG कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज में एडमिशन चाहे नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का, नीट के थ्रू ही होता है। BBSC एंड AH जो वेटनरी कोर्स है उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा पर एडमिशन नीट के थ्रू ही होता है, मगर कई कई स्टेट जैसे UP, राजस्थान, BHU यानी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं ये स्टेट और 85% कोटा के लिए एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी कोर्सेज में किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम देना अनिवार्य होगा। इंडिया में नीट मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी नेशनल लेवल एग्जाम है जिसमें तकरीबन 15 लाख प्लस स्टूडेंट बैठते हैं। इसका एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और 3 मई 2020 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होनी है। इसके फॉर्म 2 दिसंबर 2019 से स्टार्ट होंगे और 31 दिसंबर 2019 को क्लोज हो जाएंगे। इंडिया में 529 कॉलेज में 70,978 सीट्स MBBS के लिए और BDS के लिए 26,693 सीट्स पर एडमिशन नीट के थ्रू ही होता है। यह पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। नीट के बाद MBBS के लिए नेशनल लेवल की दूसरी बड़ी एग्जाम एम्स की होती है जो एम्स दिल्ली द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। इसमें अभी टोटल 15 एम्स में 1207 MBBS की सीट से एम्स द्वारा कोई BDS, वेटनरी और आयुर्वेदा का कोई कोर्स नहीं करवाया जाता है। इसके रजिस्ट्रेशन 2 चरणों में किए जाते हैं। पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन किया जाता है जो नवंबर में स्टार्ट होगा और उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा जो फरवरी में स्टार्ट होगा। एम्स 2019 के एग्ज़ाम के लिए टोटल 338,457 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे। एम्स 2020 के एग्ज़ाम 30 व 31 मई 2020 को कंडक्ट करवाई जाएगी। यह CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। देश की तीसरी सबसे बड़ी एग्जाम जिपमर द्वारा MBBS एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाई जाती है। इसमें भी एडमिशन BDS के लिए एग्जाम नहीं होती है। ये इसके रजिस्ट्रेशन मार्च में स्टार्ट होते हैं। इसमें पुडुचेरी कैंपस के लिए 150 सीट्स और कराइकल कैंपस के लिए 50 सीट्स यानी टोटल 200 सीट पर एडमिशन होता है। ये एग्ज़ाम 1 जून 2020 को होने की संभावना है। 2019 में टोटल 197,751 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि इंडिया में MBBS, BDS, वेटनरी, आयुर्वेदा के लिए 3 ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती हैं, नीट, एम्स और जिपमर। अगर आप वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके 85% कोटा के लिए कोई कोई स्टेट अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो आप इसके स्टेट के रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखें इनका कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई कोई स्टेट वेटनरी के लिए अलग से खुद रजिस्ट्रेशन करवा के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि इंडिया में MBBS, BDS हो, जो भी जितने भी डॉक्टर कोर्स हैं उसके लिए कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम होती हैं उसके बारे में और उनके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे उनके बारे में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।